वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एरिया रिलेटेड टू द इशूज इन साइकोथेरेपी इज थेरेपी इन्वॉल्विंग कपल्स और फैमिली देर आर दिचुएशन इन विच नॉट ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कम्स फॉर अ थेरेपी रादर देन उसके जो एसोसिएटेड मेम्बर्स होते हैं वो भी थेरेपी के लिए आ रहे होते हैं एक घर में एक से ज़्यादा लोग जो हैं किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और वो सब थेरेप्यूटिकल्प जा रहे होते हैं We need to see certain codes and ethical practices which need to be followed in certain cases where there are more than one number of family members coming for the therapeutic uh, help. When psychologists agree to provide services to several persons who have a relationship, like they are the spouse, parents, children, friends, they take reasonable steps to clarify at the uh, outset. Uh, which of the individuals are client? At times, couple are. तो वी नीड टू डिटर्मिन कि इस कपल में से हमारे लिए हमारा पेशेंट या हमारा क्लाइंट कौन राइट एट टाइम्स दोनों लोग प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं और वो ये शो कर रहे होते हैं कि सारा प्रॉब्लम जो है वो मेल काउंटर पार्ट का है लेकिन जब थेरेपिस्ट उसको सारी बात को सुनता है तो उसे लगता है कि इस एंगर पर इंस्टिगेट जो है उसको उसकी फ्रस्टेशन पर जो ज़्यादा इंस्टिगेट है वो मे भी उसकी फीमेल काउंटर पार्ट की जो टॉक है वो करती है और वहाँ पर शायद हेल्प की ज़रूरत उस फीमेल पार्टनर को है रादर द मेल पार्टनर यानी एक के ठीक होने से दूसरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा तो एट टाइम्स हम सही क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं और हम किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली जो बिहेवियर है वो किसी और फैमिली मेम्बर की वजह से कॉज हो रहा था आइदर दर मोर डोमिनेटिंग आई दर बिंग मोर एग्रेसिव आई दर बिंग मोर पेंचिंग अ वर्क विच नीड टू बी डन बाय द थेरेपिस्ट कि वो आइडेंटिफाई करे कि इस फैमिली के जो डिफरेंट मेंबर्स आ रहे हैं उसमें से उसके पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन लोग होंगे

जब उसको डील किया जाता है तो अंदाज़ा होता है कि उसके फैमिली में प्रॉब्लम्स और भी हैं फ़ैमिली में प्रॉब्लम्स उसके सिबलिंग के साथ भी हैं उसके भाई के साथ भी हैं तो साइकोलॉजिस्ट में इंटरवीन के आप अपने भाई को भी सेशन में लेके आए और मे बी वो ज़्यादा इंटीमिटेशन की वजह से प्रॉब्लम है जो मेन क्लाइंट था वो तो उसका सिबलिंग था उसका ब्रदर था तो यू नो द थेरेपिस्ट हैज़ टू सी कि प्रॉब्लम का मेन सोर्स क्या है कहाँ से जनरेट हो रही है और फिर वो कहाँ तक जा रही है इसी तरह वो फिर कुछ सेशंस के बाद मे बी दे फील दैट द पेरेंटिंग रोल नीड टू बी एड्रेस वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं थेरेपी के अंदर बट जनरली एज अ प्रैक्टिस एक फैमिली के अगर दो क्लाइंट्स इकट्ठे आते हैं और दोनों के डिफरेंट नेचर के प्रॉब्लम्स होते हैं तो थेरेपिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जनरली अवॉइड टेकिंग बोथ ऑफ द पेशेंट्स फ्राम द सेम हाउस बाय वन क्लाइंट लेकिन अगर एसोसिएटेड रोल्स में एक्सटेंड करते हुए काउंसलिंग की सर्विसेज देने की ज़रूरत पड़े साइकोथेरेपी की जरूरत पड़े तो देयर इट कम्स अ डिफरेंट केस देन इफ बिकम्स अपेरेंट दैट द साइकोलॉजिस्ट मे बी कॉल्ड ऑन द परफॉर्म पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स साइकोलॉजिस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू क्लेरिफाई मॉडिफाई विदड्रो फ्रॉम एंड रोल्स अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएटली लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी से एक कपल आ गया और वो कह रहे हैं कि हम डवोर्स की वजह से डिस्टर्ब हैं या हमारी एक्सपेक्टेड है डेवोर्स होना तो हमें उसकी वजह से एक पोटेंशियल थेरेपिस्ट की जरूरत है जो हमारी काउंसलिंग कर सके तो थेरेपिस्ट में चूज़ आइदर वन आउट ऑफ दैट कपल जिसको वो थेरेपी देगा या कोई और कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है और वो कहेगा कि दूसरे को वो रिफ़र कर देगा किसी और की तरफ या उससे वो विड्रॉ भी कर सकता है ड्यूरिंग अगर आप डिस्कशन महसूस करते हैं कि आपने इस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना आप इसके काउंटर पार्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो इट्स द चॉइस ऑफ द थेरेपिस्ट टू सेंड द अदर पर्सन टू अनदर अप्रोप्रिएट Referral. Then providing therapy to those served by others. Like in case psychologists carefully consider treatment issues and potential clients' welfare. Psychologists discuss these issues with the client or another legally authorized person on behalf of the client in order to minimize the risk of confusion and conflict. Like for instance, already a client or they cry, or by virtue of chance, reason say. वो ट्रांसफ़र हो के किसी और जो है वो थेरेपिस्ट के पास आ गया है तो वहाँ पे बहुत बाजा रोल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं तो अवॉइड टू अवॉइड दो सिचुएशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको uh, पहले डिस्कस कर लिया जाए इसके सारे एडवाटेज़ एंड डिसएडवानटेजेस देख लिए जाए क्लाइंट को आप प्रॉपरली इंफॉर्म कर दें कि बाय चेंजिंग दिस रोल यू मे बी फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स या आपको दोबारा से अपनी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी जो आप प्रीवियसली भी कर चुके हैं सो यू नो दे चेंज इन दैट रोल एंड एट टाइम्स इसमें हमें कुछ लीगली ऑथोराइज परसेंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ सकता है दैन सेक्शुअल इंटीमि विद द करंट थेरेपी क्लाइंट्स और देयर रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट अदर्स ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एंगेज इन सेक्शुअल इंटीमिटीज विद करंट थेरेपी क्लाइंट्स विद द इंडिविजुअल्स दे नो दैट दे आर द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ़ योर क्लाइंट

तो इस इंटरप्शन की वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं दैन गॉड फॉर बिट द डेथ ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दैन अन अवेलेबिलिटी और री लोकेशन और बाय द क्लाइंट री लोकेशन इट्स और एट टाइम्स दे कुड बी द फाइनेंशियल लिमिटेशन के वो पे नहीं कर सकता क्लाइंट और उसकी वजह से uh, कोई इशू क्रिएट uh, हो जाता है कि वो अपनी थेरेपी जो है उसको सस्टेन ना कर सके तो so, इन चीज़ों के लिए भी एक प्रॉपर प्लान जो है वो डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है When entering into employment on contractual relationships, psychologists ensure that the responsibility for patients or client care is resolved in a timely and appropriate manner. Taking care of clients' welfare is also important in a situation if the employment or contractual, contractual relationship ends. So this is not only just a one-time seeking therapy, just going there for a therapy and going out and the relationship will end. रादर दैन इट्स अ कम्प्लीट पैकेज जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक थेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट की कम्प्लीट वेलबींग well के लिए सोचना होता है और उसको ये प्लान करना होता है कि ऐसे ना होगी ये थेरेपी अगर किसी वजह से इंटरप्ट हो गई है या किसी वजह से ये सस्टेन नहीं रह सकी या वो कम्प्लीट हो गई है तो उससे क्लाइंट की वेलफेयर जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है